हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन गर्ल चुमकी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं हूँ चुमकी। टाइटल और थंबनेल से शायद आप सोच रहे हो न जाने क्या सुनने मिलेगा हमें इस वीडियो से। तो गाइस, आपको जो सुनने मिलेगा इस वीडियो से आज बिल्कुल सही सुनोगे आप। और मुझे ऐसा लगता है मैंने बिल्कुल सही थंबनेल और टाइटल लगाया है। आजकल दुनिया में हर चीज नाम से ही चलता है। अगर कोई नाम, कोई कंपनी ब्रांड बन जाता है, तब चाहे वो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लाए या कुछ भी प्रोडक्ट लाए, तो सेलिंग के लिए उसका नाम, उसका ब्रांड ही काफी होता है। गाइस, अब दिमाग में उतना प्रेशर मत दो, मैं शेयर कर रही हूँ धीरे धीरे। एक्चुअली मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। गाइस, आप सोच रहे होंगे मैं ये बात आप सबसे क्यों कह रही हूँ। ये सब बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ, हर यूट्यूबर सेम मेहनत करता है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। बड़े या छोटे कोई भी नहीं होता है, बस बिगिनर्स होता है। हमसे पहले जो यूट्यूबर यूट्यूब पे आए हैं, लाइक 2016-2017, तब यूट्यूब पे उतना कॉम्पिटिशन भी नहीं था और उतना यूट्यूबर भी नहीं था। तो ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर आज हम देख रहे हैं, इतना इतना सब्सक्राइबर्स, इतना इतना व्यूज लेकर बैठा है, वो लोग भी बहुत मेहनत करता है, नो डाउट। सब यूट्यूबर ही बहुत मेहनत करता है। पर गाइस, आपने नोटिस किया कि नहीं एक बात, वो लोग चाहे कुछ भी वीडियो डालने के साथ साथ उन लोगों का व्यूज सब्सक्राइबर इतना ज्यादा बढ़ जाता है। बट हम लोग जो बिगिनर्स है, हम चाहे जितना भी मेहनत कर ले, जितना भी मेहनत करके जितना भी इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल, यूजफुल वीडियो लाए, पर हमारे उतना व्यूज नहीं होते, हमें सब्सक्राइबर्स भी उतना नहीं मिलते हैं। क्योंकि 2018 और 19 में यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। मतलब व्यूअर सिर्फ उन्हीं का वीडियो देखता है जिनका सब्सक्राइबर ज्यादा है, जिनका व्यूज ज्यादा आता है, बस उन्हीं का वीडियोस देखना पसंद करता है। अगर किसी का सब्सक्राइबर कम है, किसी का व्यूज कम आता है, तो उस वीडियो को वो लोग देखना नहीं चाहते हैं, उतना रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, क्योंकि हम अभी तक अपना नाम, अपना ब्रांड नहीं बना पाए हैं। और हमें ये अपना नेम, अपना ब्रांड बनाने की मौका ही नहीं मिल रहा है। कैसे मौका मिलेगा हमें, हमें तो कोई मौका दे ही नहीं रहा है। सब लोग सोचते हैं इनका सब्सक्राइबर कम है, इनका व्यूज कम है, तो शायद वीडियो में कोई दम नहीं है, वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव होने वाला नहीं है। बट सेम वीडियो अगर बड़े यूट्यूबर ने दे दिया, तो उनके सब्सक्राइबर अगर ज्यादा है, उनका व्यूज अगर ज्यादा है, अगर सब्सक्राइबर ज्यादा रहेगा तो व्यूज भी ज्यादा बढ़ ही जाएगा। तो उनके सब्सक्राइबर ज्यादा है इसलिए उनका व्यूज भी ज्यादा आ जाते हैं डालने के साथ ही साथ, तो लोग वहीं पे जाते हैं कि नहीं, उनका वीडियो ही एक्चुअल में रियल है और उनका वीडियो ही इन्फॉर्मेटिव है। बाकी छोटे यूट्यूबर की वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं है, शायद व्यूअर्स ऐसे भी सोचते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए गाइस, हमें भी मौका देना चाहिए। जो हम नए आए हैं यूट्यूब पे 2018-19 में, जो हम नए यूट्यूबर्स हैं, हमें भी थोड़ा मौका दीजिए कि हम भी कुछ कर पाए। मैं सिर्फ मेरे बात नहीं बोल रही हूँ, जो हर यूट्यूबर है मेरे लेवल के, सबके बात ही मैं बोल रही हूँ। हम सबको ही थोड़ा मौका देना चाहिए। इसी बात पे चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप देखो, लेक्मी एक ऐसा ब्रांड है, लेक्मी एक ऐसा नेम है, छोटे बच्चे से लेकर एजेड लोगों तक लेक्मी ब्रांड सुना है, उन्हें पता है लेक्मी क्या चीज होता है। हमारे मम्मी लोगों को ही देखो, वो अगर जब भी मार्केट जाए तो लेक्मी का प्रोडक्ट ही ढूंढते हैं, बोलते हैं कि लेक्मी का ये है, लेक्मी का वो है। उन्हें पता ही नहीं है कि वाओ का प्रोडक्ट है, गुड वाइब्स का प्रोडक्ट भी होता है, इस तरह की बहुत अच्छा अच्छा ब्रांड है, ये भी लेक्मी जैसा अच्छा ब्रांड है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लेक्मी ब्रांड खराब है, लेक्मी जैसा अच्छा ब्रांड है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। उसी तरह गुड वाइब्स, वाओ, ये प्लाम, ये सब भी एक ब्रांड है, ये भी बहुत ही अच्छा ब्रांड है। इनके चीज, इनके प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छा होता है, इनका चीज मैं खुद यूज करती हूँ, मुझे पता है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो हमारे मम्मी लोग को पूछो, छोटे बच्चा को पूछो, गुड वाइब्स पता नहीं है क्या ब्रांड है, वाओ पूछो पता नहीं है, प्लान कुछ पता नहीं है। बस हम YouTube पे हैं और जो लोग YouTube पे वीडियो देखते हैं, उन्हें सिर्फ पता है इन ब्रांड के बारे में, कि बाहर के लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं है। चाहे वो जितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, चाहे वो जितना भी अच्छा वर्क कर ले, इनके बारे में पता नहीं है। तो समझ ही गए हो आप एग्जाम्पल। तो हमारे साथ भी कुछ, हम न्यू यूट्यूबर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चाहे हम कुछ भी कर ले, जितना भी मेहनत करके, जितना भी रिसर्च करके वीडियो लाए, हमें उतना व्यूज नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर कम है। लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कम सब्सक्राइबर है तो शायद चैनल अच्छा नहीं है, कम सब्सक्राइबर है तो मैं क्यों सब्सक्राइब करूं, ऐसा भी लोग सोचते हैं। अगर आप मिलियन सब्सक्राइबर देखते हो किसी चैनल पे, तो आप भी सब्सक्राइब कर लेते हो, हाँ ये मिलियन सब्सक्राइबर है, बहुत बड़ी चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है, ये समझकर, हाँ मानता हूँ अच्छा ही चैनल होगा वो। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि खराब चैनल है, बुरा चैनल है, अच्छा ही चैनल होगा, बल्कि बहुत ही अच्छा चैनल होगा, इसलिए उनका मिलियन सब्सक्राइबर्स है। वही सब्सक्राइबर्स देखकर आप लोग भी सब्सक्राइब कर लेते हो। तो सब्सक्राइबर्स ही सब्सक्राइबर्स को मतलब लाते हैं।
पर हमारा चैनल छोटा है, हम नए आए हैं, बिगिनर्स हैं, तो हमें उतना सब्सक्राइबर्स भी नहीं मिल रहा है अभी। तो गाइस इतना बोलूंगी, अगर आप किसी चैनल पे जाते हो, नए चैनल पे देखते हो उनके सब्सक्राइबर्स कम है, उनका व्यूज कम है, फिर भी अगर आपको अच्छा लगे, उनका वीडियो यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, उनका वीडियो देखना, क्योंकि उन्हें भी मौका दीजिएगा, शायद वो आगे जाकर और भी तरक्की कर सके और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे बहुत ही यूजफुल वीडियो ला सके। हमें उन्हें मौका देना चाहिए, जस्ट बिकॉज सब्सक्राइबर्स कम है, व्यूज कम है, सब्सक्राइब नहीं करूंगी, लाइक नहीं करूंगी, ये समझकर वापस मत जाइएगा। वीडियो व्यूज करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके साथ दीजिएगा आगे बढ़ने के लिए। गाइस इस वीडियो का, मेरे बातों का कुछ गलत मतलब ना निकाले, बस आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मेरा इंटेंशन कुछ भी खराब नहीं है। मुझे ये भी पता है वो लोग आज इतना बड़ा मिलियन सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत के ये मतलब रिजल्ट है। तो हम भी कर रहे हैं मेहनत, ऐसा नहीं कि हम बस यूं ही आ गए, ऐसा नहीं, हमारे भी बहुत मेहनत होते हैं। और एक बात गाइस, आप फॉलो करते हो कि नहीं, जैसे कि देखो अगर हम किसी बड़े यूट्यूबर के नाम लेकर वीडियो बनाए, उनका नाम रखे, टाइटल में उनका नाम रखे, थंबनेल में उनका पिक्चर रखे, तो हमारे वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। पर आप नेक्स्ट डे जब कोई और वीडियो डालो, दूसरा वीडियो डालो, उस वीडियो पे आपको उतना ज्यादा व्यूज नहीं आएगा, फिर से आपका वही के वही, फिर से आपका व्यूज डाउन हो जाएगा। अगर कोई बड़े यूट्यूबर न्यू यूट्यूबर्स को, बिगिनर्स को अगर प्रमोट कर दे कि ये उनका वीडियो है देखो, उस वीडियो पे आपको लाखों व्यूज मिल जाएगा, बट नेक्स्ट डे नेक्स्ट जब वो बिगिनर्स यूट्यूबर फिर से वीडियो अपलोड करेगी तो उस पर फिर से व्यूज नहीं होगा। तो इसका यही मतलब हुआ ना, जस्ट वो वीडियो उन लोगों ने प्रमोट किया था, उन लोगों का नाम था, उन लोगों का थंबनेल था, इसीलिए हमें व्यूज मिला, व्यूअर्स आए हैं इस वीडियो पे। और जिस वीडियो पे उनका नाम नहीं होगा, टाइटल नहीं होगा, थंबनेल नहीं होगा, तो फिर से व्यूज नहीं मिलेंगे, व्यूअर्स नहीं आएंगे। यानी मैंने ये टाइटल इसीलिए रखा है, अगर बड़े यूट्यूबर हम बिगिनर्स को प्रमोट कर दे तो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, जस्ट वो वीडियोस पे ही व्यूज मिलेगा, उसके बाद जो वीडियो डालोगे हम डालेंगे उस पे व्यूज आने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैंने हमने ये रखा था कि बड़े यूट्यूबर भी हमारे कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन बड़े यूट्यूबर ने अगर ऐसा बोल के चैनल प्रमोट किया, ये मेरे भाभी का चैनल है, ये मेरे भाई का चैनल है, ये मेरा दीदी का चैनल है, ये मेरे हस्बैंड का चैनल है, ये मेरा वाइफ का चैनल है, अगर उनका रिलेटिव हुआ तब जाके वो चैनल अचानक से ग्रो करने लगेगा। हाँ ये तो इस यूट्यूबर के भाभी है, ये तो इस यूट्यूबर के दीदी है, ये तो इस यूट्यूबर के भाई है, तो वो बस अपने आप ही ग्रो करेगा वो चैनल अगर रिलेटिव हुए तो वही कभी सोचकर मुझे बहुत ही दुख लगता है। मैं सोच रही थी ये वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, तो फाइनली मैंने आज बना ही डाला। और गाइस पता है मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ बट बोल नहीं पाती हूँ, एक तो मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है और हिंदी भी अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, अगर कहीं पे कुछ गलत कह दिया देन सॉरी, इसका गलत मतलब आप ना निकाले, बस आप थोड़ा मेहनत करके समझने की कोशिश कीजिए मेरे बातें। और आप सोच रहे होंगे अगर हिंदी में इतना तकलीफ होता है तो क्यों हिंदी में चैनल खोला है, तो इसका रीजन है, इसका रीजन मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी किसी और वीडियो पे। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियोस, आप देख लो मेरा एक दो वीडियोस, अगर आपको अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, मेरे वीडियोस में कुछ कमी नजर आता है, तो प्लीज 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 मुझे कमेंट करके बताइए मेरे वीडियोस में ये चीज का कमी है, मुझे इस चीज का इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगी अच्छा करने के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने के लिए। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर एंड बाय।